करते हैं तो लुक देखो गाड़ी की यार, जो आगे की जो फ्रंट हेडलाइट है ना वो देखो गाड़ी की क्या स्टाइलिश है, उसके ऊपर जो यार कारीगरी करी गई है ना, ये देखो फुल्ली डिजिटल आपको मीटर मिलता है, इसमें 12 मीटर है। अभी इसमें जो जो फीचर है मीटर के अंदर, क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी डिटेल जो है आपको इस ब्लॉग में मैं देते जाऊंगा। और यहाँ पे देख तो दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर मिलता है आपको लिक्विड ऑयल कूल इंजन, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको रेडिएटर लगा हुआ मिलेगा इस बाइक के अंदर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू प्रो वाइकर 150 चैनल। तो गाइज क्या हाल है आपके, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। तो गाइज फाइनली यार, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, यानी कि दोस्तों मैं बाइक कर रहा हूँ रॉयल इनफील्ड की एक जबरदस्त पावरफुल बाइक की, शॉर्ट गन स्टिक 50 की। तो दोस्तों फाइनली रॉयल इनफील्ड ने अपनी बाइक को जो है मार्केट में उतार दिया है, तो चल रहे हैं आज उसका ब्लॉग शूट करने। और आज आपको दिखाने वाला हूँ भाई शॉर्ट गन 650 क्या क्या फीचर्स मिलते हैं गाड़ी के अंदर, पावर कितनी है, सारी जो है अब बात करेंगे और आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ इस ब्लॉग में बाइक के बारे में। दोस्तों बने रहिए वीडियो पर, मिलते हैं सीधा शोरूम पर। तो फाइनली गाइज मैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम आ चुका हूँ और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ शॉर्ट गन, जो कि मतलब रॉयल इनफील्ड ने जल्दी लॉन्च करी है। अभी दोस्तों बाइक को ज्यादा आए हुए टाइम नहीं हुआ है, तो आज जो है मैं आपको कंप्लीट इसकी डिटेल देने वाला हूँ। गाड़ी जो है बहुत ही औसम बनाई है, क्या क्या इसमें फीचर्स है, क्या क्या फंक्शन है और प्राइस कितना होने वाला है, माइलेज कितना देती है, ऑन रोड प्राइस कितना है, ये सारी डिटेल जो है आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है। तो दोस्तों बाइक के बारे में बताने से पहले मैं बाइक के कुछ आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बाइक के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाए हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले बाइक के इस लुक के बारे में, इस बाइक के लुक के बारे में। तो दोस्तों एलईडी से हम बात करते हैं, एलईडी हेडलैम्प बाइक के अंदर लगा हुआ है और हम हेडलैम्प से बात करते हैं तो लुक देखो गाड़ी की यार, जो आगे की जो फ्रंट हेडलाइट है ना वो देखो गाड़ी की क्या स्टाइलिश है, उसके ऊपर जो यार कारीगरी करी गई है ना, ये देखो डिजाइनिंग देखो। तो दोस्तों लुक वाइज जो है यार बहुत ही औसम बाइक बनाई है। और एक नज़र देखो नीचे मडगार्ड पे डालते हैं, मतलब इस गाड़ी में जो काम करा है ना वो बहुत ही औसम काम करा है। मैं अभी आपको टोटली लुक दिखा रहा हूँ गाड़ी की, फिर मैं इसके फीचर्स वगैरह भी कंप्लीट बताऊंगा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो एक नज़र हम डालते हैं मीटर पर। अरे यार देखो फुल्ली डिजिटल आपको मीटर मिलता है, इसमें 12 मीटर है। अभी इसमें जो जो फीचर है मीटर के अंदर, क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी डिटेल जो है आपको इस ब्लॉग में मैं देते जाऊंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल बार पे, देखो यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का लोगो लगा हुआ है, ग्राफिक्स करी हुई है, वो बहुत ही औसम लग रहा है। तो दोस्तों एक बार इसके कलर पर नज़र डालते हैं, कलर आपको दिखा दो। देखो कलर इसके अंदर आपको वाइट एंड थोड़ा सा जो है ग्रे में आपको ग्राफिक्स मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं 01 की आपको यहाँ फुल्ली ग्राफिक्स मिलती है बाइक के अंदर। ये आपकी 650 शॉटगन जो है ट्विन सिलेंडर बाइक है। एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों एग्जॉस्ट इस गाड़ी के अंदर आपको डुअल एग्जॉस्ट मिलता है। डुअल एग्जॉस्ट है, पीछे का मडगार्ड देखो। तो एक नजर पीछे के हम मडगार्ड पे डालते हैं, ये देखो दोस्तों बाइक जो है यार काफी औसम बनाई है यार। सीट की खूबसूरती दिखाता हूँ मैं आपको, सीट देखो एक बार, सीट जो है कितनी ज्यादा कंफर्ट है और कितनी ज्यादा लुक वाइज देखी जाए तो कितनी ज्यादा स्टाइलिंग सीट बाइक के अंदर इंस्टॉल है। बाइक देखो, मिरर की बात करते हैं तो मिरर देखो गाड़ी के अंदर जो है ना, कुल मिला के जो है बहुत सारे चेंजेस है और काफी नए फीचर्स के साथ में बाइक को मार्केट में उतारा है। लुक के मामले में जो है गाड़ी बहुत ज्यादा औसम है। तो डिस्क का एक बार साइज दिखा देता हूँ मैं आपको, साइज देखो कितना बड़ा है डिस्क का, 12 चैनल ABS है बाइक के अंदर। तो दोस्तों मैंने अभी इस बाइक की आपको कंप्लीट लुक दिखाई है, तो बात करते हैं इसके अंदर फीचर्स की। तो इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेंडर की। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो है आपको ट्विन सिलेंडर मिलते हैं
और एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों बाइक के अंदर आपको ड्यूल एग्जॉस्ट मिलता है, जो कि ट्विन सिलेंडर की आप आइडिया लगा सकते हैं कि आवाज़ कैसी होती है। आपने शायद इनलाइन फोर की आवाज़ सुनी हो, तो मैं आपको ट्विन की भी आवाज़ चेक करा दूंगा। और बाइक जो है काफ़ी मतलब ऑसम बना रखी है, काफ़ी हैवी बाइक बना रखी है। शॉर्ट गन 650 cc में आपकी बाइक मिलती है। तो दोस्तों एक बार इधर नज़र डाल देंगे, कैमरामैन इधर आ जाओ। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर मिलता है आपको लिक्विड ऑयल कूल इंजन, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रेडिएटर लगा हुआ मिलेगा इस बाइक के अंदर। और बात करते हैं दोस्तों अगर इसकी प्राइस की, तो प्राइस दोस्तों इस गाड़ी का होने वाला है, ऑन रोड प्राइस जो पड़ने वाला है वो पड़ेगा 4,25,000 इसका ऑन रोड प्राइस है। बात करते हैं अगर इस गाड़ी में माइलेज की, तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको माइलेज मिल जाता है 35 से 40 का, जो कि कंपनी अफोर्ड करती है, बाकी जो है कस्टमर की डिमांड पर पता चलता है, क्योंकि हम जब इसको राइड करते हैं। तो दोस्तों और मैं आपको बता देता हूँ इस गाड़ी के अंदर अगर हम बात करते हैं टैंक कैपेसिटी की, तो टैंक जो है इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 13.5 लीटर का टैंक मिलता है, 13.5 का आपको टैंक मिलेगा इस बाइक के अंदर। कलर दोस्तों मैंने आपको दिखाई दिया था, इसमें एक कलर और भी है अवेलेबल, जो अभी मतलब शोरूम पर नहीं है, वैसे मार्केट में उतर चुका है। तो अभी मैंने जो ब्लॉग शूट किया है वो अभी इस बाइक का करा है, और कलर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था व्हाइट एंड ग्रे का, आपको तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मिलता है इस बाइक के अंदर। बाकी बाइक यार काफ़ी ऑसम बनी हुई है दोस्तों, अगर आप बाइक लेना चाह रहे हैं तो यार रॉयल इनफील्ड शोरूम पे विजिट करें, एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, बाइक को देख सकते हैं। बाइक जो है यार कुल मिला के इतनी ऑसम बाइक बना रखी है, काफ़ी ज़्यादा ऑसम है लुक वाइज, हर तरह से मतलब बाइक को जो है काफ़ी हैवी बनाया हुआ है। तो एक बार मैं आपको इसका साउंड भी चेक करा देता हूँ, इसका साउंड कैसा है। चेक करो गाइस, तो दोस्तों इस बाइक का जो एग्जॉस्ट साउंड है ट्विन सिलेंडर के हिसाब से बहुत ही ऑसम साउंड है, और यार जब इसको हम राइड करेंगे ना तो साउंड जो है बहुत ज़्यादा ऑसम है, बहुत ज़्यादा स्मूथ साउंड आएगा। पता क्या होता है खड़ी गाड़ी में इतना साउंड नहीं पता चलता है, जब हम इसको राइड करते हैं ना तो राइड के हिसाब से जब जैसे जैसे हम रेस देते हैं, एक्सीलेटर देते हैं, थ्रोटल देते हैं, तो उस हिसाब से जो है ना साउंड की स्मूथनेस आपको पता चलती है कि कैसे साउंड देती है बाइक। तो दोस्तों ये था इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू शूट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये बाइक कैसी लगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।